लगभग 516 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसरों की 10,000 से ज्यादा पोस्ट स्वीकृत हैं और इनमें आधे से ज्यादा खाली पड़ी हुई हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों से टीचिंग करवाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने अगस्त 2018 में 2,536 सहायक प्राध्यापकों का सिलेक्शन PSC के माध्यम से किया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रोसेस होने के बावजूद इन लोगों को अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। इनमें से अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे थे, लेकिन PSC से सिलेक्शन होने के बाद नौकरी छोड़कर बैठे हैं। सिलेक्शन होने के बाद कईयों की शादी तय हो गई थी, लेकिन पोस्टिंग नहीं होने से शादी टूट भी गई। बुधवार को इन सहायक प्राध्यापकों ने भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने एक शांति मार्च निकाला और CM से जल्द नियुक्ति दिलाने की अपील की। अभी तक के तो हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग PSC से चयनित सहायक प्राध्यापक हैं और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। 2,500 लोग हैं। एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका है हमें जो विज्ञापन के लिए, और रिजल्ट आने के लिए 5 से 6 महीने हो गए। हम पहले अपनी जॉब करते थे, आज रिजल्ट के चक्कर में हमने अपनी जॉब छोड़ दी, आज रोड पे आ गए हैं। सरकार ने कहा था कि हम सितंबर तक के नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे। माननीय न्यायालय का ने भी सरकार से ये निवेदन किया था कि नए सत्र में भर्तियाँ हो जाना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक के कोई नियुक्ति आदेश हमको नहीं मिला है। तो हम प्रशासन से और शासन से ये मांग कर रहे हैं, एक निवेदन करने आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति आदेश दे दें। करीब पूरे परिवार सहित 2,500 लोग हैं और उनका परिवार भी साथ में है। नहीं, हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है, मगर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पहले वो निवेदन पत्र सौंपा था और आज भी हम उनको निवेदन पत्र देंगे। हमारी बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हुई, जीतू पटवारी जी से, और हम केवल निवेदन लेकर के आए हैं पूरे प्रदेश से, तो हम अपना निवेदन लेकर के अपने घर चले जाएंगे अभी।